छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के संबंध में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि न्याय यात्रा की शुरुआत बलौदा बाजार गिरौदपुरी से होगी, जो पूरे प्रदेश में एक सप्ताह तक चलेगी और 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में इसका समापन होगा। इसके साथ ही दीपक बैज ने बढ़ते अपराधों पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सीरियल किलर की तरह काम कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने यह भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं की सहमति से 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में 125 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। ये पदयात्रा गुरु घासीदास की नगरी गिरौदपुरी से शुरू होकर रायपुर में समाप्त होगी। इस यात्रा का नाम छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा रखा गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इस यात्रा में शामिल होंगे। प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे तमाम पार्टी के नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि कल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश शांतिपूर्वक कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर ऐतिहासिक बंद का समर्थन मिला। इसके लिए प्रदेश की जनता, तमाम व्यापारिक संगठन, तमाम जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, बहुत सारे मीडिया के साथियों के मन में जिज्ञासा था कि पिछले दिनों हमारी बैठक हुई कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान है। हम लोगों ने उसी दिन ही कह दिया था कि आने वाला समय में इस महीने के अंत में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए, सरकार के खिलाफ में बड़ा मूवमेंट करने जा रही है। आदरणीय साथियों, तमाम वरिष्ठ नेताओं के सहमति से और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी के सहमति से, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय महत जी के सहमति से, एक्स सीएम और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता बैठे और पीसीसी के पदाधिकारी की सहमति से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गिरौदपुरी प्रयास नहीं किए। इस घटना में शामिल कौन थे, उनका सीसीटीवी फुटेज है। इस घटना में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई, न कोई इस कार्यक्रम में कोई गया था, न कोई इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, मतलब ऐसे कई निर्दोष लोगों को इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसका विरोध में भी रहेगा। साथ ही जिस तरह से आप वर्तमान में देख रहे हैं कि पूरा कवर्धा जल रहा है, कवर्धा कौन सा जिला है, गृह मंत्री का विधानसभा, गृह मंत्री का स्वयं का जिला, वहां 3 साहू समाज के बेटाओं की हत्या होती है। पहला हत्या भी रोका जा सकता था, दूसरे हत्या में आगजनी हुई उसको भी रोका जा सकता था, पुलिस मुखदर्शक बन के खड़ी रही, वीडियो बनाती रही। हमारा इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का है, न्याय यात्रा का मकसद पूरी छत्तीसगढ़ समाहित है, लेकिन हम लोग गिरौदपुरी से रायपुर तक बाबा गुरु घासीदास की संदेश को लेकर और जिस तरह के लगातार घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं को लेकर मैंने पूरे उद्देश्य आपको बता दिया है। सरकार ने सीरियल किलर की तरह काम कर रहा है, सीरियल किलर। इसलिए इस सरकार में आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है। आदिवासी समाज को लगातार फर्जी एनकाउंटर, राजधानी में आदिवासी छात्र की मौत होती है, बैगा हमारे बैगा आदिवासी की मौत होती है, 19-19 आदिवासियों की मौत होती है। तो इस सरकार ने आदिवासी सुरक्षित नहीं है, इस सरकार में अनुसूचित जाति सुरक्षित नहीं है, इस सरकार में अब साउ ओबीसी और साउ समाज भी सुरक्षित नहीं है। क्या ये सरकार सीरियल किलर की तरह काम कर रहा है क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, अब बता दे कि कौन सा समाज टारगेट में है? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, कौन सा समाज अब टारगेट में है? सरकार
पूरी तरह सीरियल किलर की तरह काम कर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दीपक भाई जी, आदरणीय गुरु ध्रुव कुमार जी, आदरणीय भाई शिव ढरिया जी, आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष और साथी साहू जी, आदरणीय तिवारी जी, भाई मलकीत सिंह जी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और सभी पदाधिकारीगण, जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि हम लोग तपोभूमि गिरौदपुरी से 6 दिन की यात्रा करेंगे और रायपुर तक यह यात्रा आएगी। ये यात्रा का निर्णय हम सबके सहमति से हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि इस यात्रा में पूरे प्रदेश के लोग शामिल हों और पूरे प्रदेश के लोग शामिल होंगे। जैसा कि जब से ये आपको सब पता है, 9 महीने से ज़्यादा नहीं हुई है सरकार को, और जो अत्याचार, अनाचार, दुरा